सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल ARM टेक्निकल वीडियोस को और पास माय घंटे को दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। और गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल ARM टेक्निकल वीडियोस में। मेरा नाम है अमरेश, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ARM टेक्निकल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पोको F1 के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अभी भी आपको 20 से 30 दिन में ये फ़ोन जल्दी इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। ये लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 8GB रैम और प्लस 256GB। तो वो किस लिए रैम है, इसके प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, वो है 27,999 का। और सेकेंड नंबर पर यही पोको F1 आता है। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ 6GB प्लस 128GB 23,999 रुपये का। जो सबसे कम प्राइस में है वो है 6GB रैम प्लस 64GB के साथ 19,999 रुपये का आपको वो मिल जाएगा पोको F1। इसमें कलर मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कलर है ब्लैक, रेड और स्टील ब्लू। तो काफ़ी अच्छे फ़ोन है, इसमें रेड कलर का भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और इसमें कैमरा आपको डबल मिल जाता है। और इसमें फ्रंट कैमरा जो है 20 मेगापिक्सल का है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें बैटरी मैं आपको बता देता हूँ 4000 mAh की इसमें बैटरी है। सही फोन लगा है। इसमें फ्रंट कैमरे में गाइस यहाँ पे 20MP मेगापिक्सल का कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इसमें। सो गाइस आप नीचे की तरफ देखेंगे कैमरे के नीचे की तरफ, तो आपको एक फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा, ये बिल्कुल एक ही साइड में आपको सबसे ऊपर कैमरा, फिर नीचे कैमरा, फिर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा नीचे से लुक लग रहा है। तो प्राइस भी अभी इसके ज़्यादा है और आने वाले टाइम में शायद इसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप अभी भी ना लें तो थोड़ी सी वेट करके इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं कम प्राइस में। तो क्योंकि जो भी कोई सा नया फ़ोन आता है उसमें तो आपको महंगा मिलता है अभी शुरू में, स्टार्टिंग में, फिर बाद में आप उसके प्राइस कम हो जाते हैं क्योंकि दूसरा लॉन्च हो जाता है तो आप लोग उसके पीछे भागते हैं। सो गाइस मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फोन है। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको मिल जाती है जो 27,999 रुपये में मिलती है आपको, वो मिलती है 8GB रैम प्लस 128GB। तो 128GB काफ़ी है और 8GB रैम भी काफ़ी है, और कोई से फ़ोन के मुकाबले भी ये फ़ोन अच्छा आया है, बढ़िया है। और बैटरी भी इसमें 4000 mAh है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या ये फ़ोन पसंद आया है, रेट वगैरह इसके सही है। तो अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो 6GB प्लस 64GB में ले सकते हैं आप, 19,999 रुपये का ही आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा लेने चाहते हैं तो 6GB प्लस 128GB में ले सकते हैं, तो ये आपको 22,999 रुपये का मिल जाएगा। तो कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, स्टील ब्लू, रेड, ब्लैक, ब्लैक और कलर देख लीजिएगा और सर्च करके देखेंगे। आप अमेजोन से ख़रीदना चाहते हैं तो अमेजोन से ख़रीद सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और दो कैमरे आपको इसमें मिल जाते हैं और इसमें पिलर मिलेगा आपको साथ में, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो बैक साइड में देखेंगे आप इधर की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जिंग और यहाँ पर माइक और इधर स्पीकर मिल जाता है आपको। और साइड में देखेंगे आपको यहाँ पर दिख जाता है एक पावर बटन और वॉल्यूम बटन और डाउन बटन एक साइड में, और ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर में शायद आपको एयरफोन और लैपटॉप भी देखने मिलेंगे और नीचे की तरफ आईफोन जैसा लुक है। सो गाइस अच्छा लुक लगा ये मुझे, तो आप कमेंट में बताइए जब ये फ़ोन आपको कैसा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन आया है अपडेट निकल के। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्यूचर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।